हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, आई एम अरुण कुमार त्रिपाठी। टुडे आई विल टीच यू EBS लेसन नंबर 2, एवरीवन इज स्पेशल। एवरीवन इज स्पेशल दैट मीन्स एवरी पर्सन इन आवर लाइफ इज स्पेशल। प्रत्येक व्यक्ति जो हमारा है वो हमारे लिए विशेष है, स्पेशल है। इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। वो फर्स्ट चीज़ है आवर लाइक एंड डिसलाइक्स, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनको हम पसंद नहीं करते हैं। अंजना एंड अनीता आर वेरी गुड फ्रेंड बट देयर लाइक्स डिसलाइक आर टोटली डिफरेंट फ्राम ईच अदर। हम देखते हैं अंजना और अनीता दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन दोनों की जो पसंद है वो पूरी तरीके से अलग अलग है। अंजना इज़ नॉन वेजिटेरियन वाइल अनीता इज़ वेजिटेरियन फूड ओनली। अंजना जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, जबकि जो अनीता है वो वेजिटेरियन फूड ही लेती है। अंजना डज नॉट लाइक द ड्रेसेस विच अनीता बियर, जबकि जो अंजना है उसको वो ड्रेस पसंद नहीं है जो पूरी तरीके से अनीता पहनती है। दियर वे ऑफ द ड्रेसिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम ईच अदर, और दोनों का जो ड्रेस है वो एक दूसरे से पूरी तरीके से डिफरेंट है। अंजना लव्स टू लिसन द स्मूथ म्यूजिक बट अनीता प्रिफर लिसनिंग द हिप हॉप म्यूजिक, जबकि जो अंजना है वो पूरी तरीके से स्मूथ म्यूजिक ही सुनती है, जबकि जो अनीता है ये हिप हॉप म्यूजिक सुनती है। अंजना वंडर वाई इज दैट दो दे हैव सिमिलर सेंस ऑर्गन एट दे हैव डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक। इस तरीके से अंजना पूरी तरीके से वंडर्ड होती है, आश्चर्य इसको होता है कि पूरी तरीके से हमारी लाइक और डिसलाइक क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है, जबकि हमारे पास जो सेंसेस होती है, जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो सेम होती है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डू वी हैव डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक। अब हम लोग समझेंगे कि हमारी जो लाइक और डिसलाइक होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होती है। वी ऑल हैव सिमिलर सेंस ऑर्गन दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन बट इन आवर ब्रेन दैट सेंसेस डिफरेंट थिंग्स डिफरेंटली। हम देखते हैं जैसा हम जानते हैं अपनी जो सेंस ऑर्गन होती है वो सारे व्यक्ति के बॉडी में सेम फंक्शन ही परफॉर्म करता है, लेकिन अपना जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में पूरी तरीके से सेंसेस करता है। दैट इज़ रीज़न वाई वी हैव डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक। नाउ लेट अस सी हाउ इट हैपन। हम देखते हैं भले ही हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो सेम है, सेंस ऑर्गन फंक्शन भी सेम करता है, लेकिन जो अपना ब्रेन होता है वो डिफरेंट व्यक्ति में डिफरेंट तरीके के थिंग्स को सेंस करता है, सेंसेस करता है। इस नाते यही रीज़न होती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो लाइक और डिसलाइक है वो पूरी तरीके से फ़र्क होता है दोनों में। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन आवर सेंस ऑर्गन सेंस समथिंग द इंफॉर्मेशन इज कैरीड टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क फाइबर कॉल्ड नर्व्स। हम देखते हैं अपनी जो सेंस ऑर्गन्स होती है वो कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कैरी करने में पूरी तरीके से अपने ब्रेन जो शरीर है उस शरीर में पूरी तरीके से फाइबर का एक नेटवर्क पाया जाता है जिसको नर्व कहते हैं, और वो नर्व जो होता है वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी के में जो सेंस ऑर्गन होते हैं उस सेंस ऑर्गन के द्वारा जो रिसीव किया गया इन्फॉर्मेशन होता है वो नर्व के थ्रू पूरी तरीके से ब्रेन में पहुंच जाता है।
द नर्व विच कैरी मैसेज फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू आवर ब्रेन आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। पूरी तरीके से ऐसी नर्व जो पूरी तरीके से अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा मैसेज को कन्वे करके ब्रेन तक पहुंचाती हैं, उनको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। द ब्रेन देन प्रोसेस द मैसेज। आफ्टर दैट इट सेंड्स कॉमन थ्रू अनदर नेटवर्क ऑफ फाइबर कॉल्ड मोटर नर्व टू द बॉडी पार्ट एक्ट एज अप्रोप्रिएटली। इनके अलावा हम देखेंगे पूरी तरीके से जब अपनी ब्रेन को सेंसरी नर्व्स के थ्रू मैसेज पूरी तरीके से प्राप्त हो जाता है तो जो ब्रेन जो होता है वो पूरी तरीके से उस पर प्रोसेसिंग करना शुरू करता है। दैट मीन्स उसको रिस्पॉन्स करना शुरू करता है तो वो अपना स्पेशल टाइप का कमांड भेजता है दूसरे नर्व के नेटवर्क के द्वारा जिसको हम मोटर नर्व्स कहते हैं, जो बॉडी के डिफरेंस पार्ट में पूरी तरीके से अपना रिस्पांस भेजता रहता है, अपना रिएक्शन भेजता रहता है। तो दैट मीन्स इनमें हम लोगों ने दो चीज़ें देखी कि अगर पूरी तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन को जो अपना सेंस ऑर्गन होता है वो पूरी तरीके से डिफरेंट तरीके के इंफॉर्मेशन जो होती है वो ब्रेन को भेजता है बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स। जो सेंसरी नर्व्स होती है वो मैसेज को कन्वे कर देती है ब्रेन के पास, और जो ब्रेन होता है वो पूरी तरीके से मोटर नर्व के थ्रू अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट में रिएक्शन भेजता है। नेक्स्ट इज देर आर वेरियस रीजन ड्यू टू विच द सेंस थिंग्स डिफरेंटली, सम देम आर एज फॉलोज। हम देखते हैं यही सब रीजन होती है कि अपनी जो सेंस थिंग्स होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग आवर लाइक एंड डिसलाइक्स। जो अपने फ्रेंड्स होते हैं और जो फैमिली होती है ये पूरी तरीके से हम क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली पर भी डिपेंड करती है। नॉर्मली अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ वेजिटेरियन फैमिली आल्सो डज नॉट हैव एनी लाइकिंग फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। जो नॉर्मली लोग हैं जो साधारणतया जो ज़्यादा लोग हैं वो पूरी तरीके से वेजिटेरियन से बिलोंग करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है जो नॉन वेज फूड को लाइक नहीं करती है। सिमिलरली सीइंग द पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स डू वेरियस एक्टिविटीज ऑफन लाइक सिंगिंग डांसिंग प्लेइंग अ पर्टिकुलर गेम एट्सेट्रा आल्सो टू एन एक्सटेंट डेवलप्स एन इंटरेस्ट इन सेम एक्टिविटीज इन द चिल्ड्रेन। ये हम जानते हैं कि पूरी तरीके से सिमिलरली हमारी जो एक्टिविटी या फिर जो लाइक और डिसलाइक होती है वो हम अपने पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स के एक्टिविटी को देखते हुए हम सीख जाते हैं या हम पसंद करने लगते हैं, जैसे सिंगिंग डांसिंग प्लेइंग पर्टिकुलर गेम। ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हम अपने पेरेंट्स या फिर अपने फ्रेंड्स के द्वारा सीख जाते हैं या उसको लाइक और डिसलाइक किया करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशन एंड कल्चरल बैकग्राउंड। पीपल विद डिफरेंट ट्रेडिशन एंड कल्चर बैकग्राउंड हैव डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक। सम पीपल डू नॉट लाइक गार्लिक एंड ओनियन एज दे फाइंड देम ऑफेंसिव। सम पीपल ईट क्रैब्स पिग पिजन एक्सेट्रा फॉर एज सम पीपल कैन नॉट इवन थिंक्स ईटिंग दीज थिंग्स। अपने कुछ ट्रेडिशन परंपरा होती है, अपने कुछ संस्कृति होती है, उस संस्कृति में रहते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को पसंद करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं। जैसे कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो गार्लिक और ओनियन को नहीं ईट करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से क्रैब्स पिजन पिग्स गोट्स वगैरह को भी खाते हैं, जबकि कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं कि इन चीज़ों को नहीं खाते हैं। नेक्स्ट बात आती है ऑक्यूपेशन। आवर लाइक एंड डिसलाइक आर आल्सो डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ आवर जॉब अ पर्सन
working in the factory, releasing offending smell all the time is used to the dirty implements, but a passerby cover his her nose because of the offending smell. हम देखते हैं कुछ और भी जो लाइक डिसलाइक हम करते हैं वो पूरी तरीके से ऑक्यूपेशन बेस पर भी करते हैं. कोई फैक्ट्री वर्कर जो होता है वो पूरी तरीके से फैक्ट्री में काम करता है तो अपने आप को ऑफेंड करने के लिए जो डिफरेंट तरीके की स्मेल या फिर डर्टी इन्फ्लुएंस फैक्ट्री से निकलता है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने नोज़ और हैंड्स वगैरह को पूरी तरीके से कवर कर लेता है जिससे उसको ऑफेंडिंग स्मेल ना मिले. इनके अलावा कुछ अपनी मेंटल स्टेट भी होती है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को लाइक और डिसलाइक करते हैं. आवर लाइक एंड डिसलाइक आर सम टाइम इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर मेंटल स्टेट आल्सो. वी इंजॉय प्लेइंग गेम्स, वाचिंग टेलीविज़न एंड लिसनिंग म्यूजिक ड्यूरिंग आवर वैकेशन, बट व्हेन वी आर इल और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन वी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम लाउड म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स एंड वाचिंग टेलीविज़न. कुछ अपनी मेंटल स्टेट्स होती है जिसके थ्रू हम लाइक और डिसलाइक करते हैं. समटाइम ऐसी होती है कि अपनी जो लाइक और डिसलाइक है वो मेंटल स्टेट पर डिपेंड करती है. कुछ समय ऐसा होता है जब हम पूरी तरीके से गेम खेलते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, म्यूजिक ज़्यादा सुनते हैं जब अपने स्कूलों में छुट्टी होती है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम टाइम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम लाउड म्यूजिक सुनना, गेम खेलना या फिर टेलीविज़न देखना, इन सारी चीज़ों को हम लोग पसंद नहीं करते हैं. नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा.